and you're watching Exposed India. दिल्ली के दरियागंज में जैन कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने उनके ही बैंक के चेयरमैन के खिलाफ मीडिया से रूबरू होते हुए कई आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि चेयरमैन उनका शोषण कर रहे हैं। दरियागंज में स्थित जैन कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के दौरान एक ऐसे गोरख धंधे का खुलासा हुआ था जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन RBI की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर खुद नए नोट निकालते थे। काले धन को बड़े पैमाने पर सफेद किया जा रहा था। इस काले कारनामे का पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान बैंक के चेयरमैन और निदेशक मंडल द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किया गया। सरकार ने 4500 रुपए तक के पुराने नोट बदलने की जो सीमा तय की थी, वो बैंक के सभी अधिकारियों ने ग्राहकों को न देकर खुद ही निकाले। इसके लिए दूसरों के यानी पहले से बैंक में मौजूद ग्राहकों के पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। वहीं बैंक कर्मचारियों ने चेयरमैन के ऊपर ये भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें बिना किसी कारण के निलंबित और निष्कासित किया जा रहा है। यहां तक कि कर्मचारियों की 30% तक सैलरी भी घटा दी गई है। मीनू भास्कर। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप यहां पे क्या करते हैं? दरियागंज में हेड कैशियर की पोस्ट पे थे। हाँ जी। अच्छा जी, क्या क्या हुआ आपके साथ यहां पे? क्या हुआ कि मेरे को मतलब नोटबंदी के दौरान बहुत काम कराया गया जिससे मैं बीमार हो गई काफ़ी ज़्यादा। मैं ब्लड कैंसर की पेशेंट हूँ, तो ज़्यादा काम करने की वजह से छुट्टी ना मिलने से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अच्छा, और पहले से? हाँ, तो मैंने छुट्टी मांगी तो इन्होंने अपनी मर्जी से छुट्टी देने की बजाय CRS दे दी मुझे, जिसका मुझे कितना फाइनेंशियली लॉस हुआ और कितना वो लॉस हुआ कि ना छुट्टियों के पैसे ना कोई फ़ंड मिला। जो मेरी ग्रेचुटी भी आई वो मेरी दूसरे के लोन में डाल दी गई, मुझे ग्रेचुटी तक नहीं दी, PF के फॉर्म पे तक नहीं साइन करके देते। दूसरे के अकाउंट में डाल दी से काम करा, ग्रेचुटी किसी और के पास? हाँ जी। और आपने उस पे कुछ कहा नहीं यार, गलती से? उस समय तो इनकी तानाशाही चल रही, जो अपने आप ही लेटर भेज देते हैं, अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं कि लो अपने आप ही लायबिलिटी डाल दी हमारे ऊपर 7 लाख की। उन्होंने क्या कहा कि गलती से चली गई या फिर उन्होंने? नहीं, गलती से नहीं, अपनी मर्जी से, कि मैंने बॉन्ड पेपर मैंने किसी उनके स्टाफ मेंबर की शोल्डी की हुई थी, लेकिन एज पर रूल वो डाल नहीं सकते। मेरा नाम अशोक यादव है। मैं जैन कोऑपरेटिव बैंक में 4th क्लास में 25 साल से काम कर रहा था। लिहाजा मेरी 3 मई 2017 को तबीयत खराब हो गई थी। पहला अटैक मेरे को 1 तारीख को जो है बैंक में आया था, तो बैंक में सर्विस कर रहा था उस टाइम। तो मेरी घरवाली को मिस्टर नरेंद्र भारद्वाज ने फ़ोन किया कि जी इनकी तबीयत खराब हो रही है, आप इन्हें घर ले जाइए। जबकि इनका फ़र्ज ये था, बैंक एम्प्लाई जब बैंक में बीमार हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल नहीं भेजा, नहीं भेजा गया मेरे को। आपके घर पे फोन? मेरे घर पे फ़ोन करा, मेरी मिसिज मेरे को लेके गई और 3 तारीख को ही मेरे को एडमिट कराना पड़ गया। मेरे 2 माइनर अटैक हट गए पड़े, मुझे होश नहीं था, मैं कहाँ कहाँ नहीं, मैं वेंटिलेटर पर। तो वहाँ से मिस्टर नरेंद्र भारद्वाज थे, एम्प्लाइज रवि यादव 4th क्लास में है, वो मेरे पास आए, मेरे बच्चों के पास आए, बोले ये इनको 5-7 लाख रुपया मिल जाएगा, आप इनकी VRS करा दो। मेरे और मैं वेंटिलेटर पर था, मेरे बच्चे मान गए, मेरे बच्चों को कुछ पसंद था इस बारे में कि VRS क्या होती है और क्या नहीं होती। एक लेटर लिख करके इन्होंने मेरा अंगूठा लगवा लिया, ना मुझे ये पता लगा VRS क्या है क्या नहीं। बहरहाल काले नोटों को सफेद करने के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन चेयरमैन के ऊपर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक के कर्मचारी भी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर नाराज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों अभी तक चेयरमैन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए आपको सुनाते हैं मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व बैंक मैनेजर वीरेंद्र कुमार जैन ने क्या कहा। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैन कोऑपरेटिव बैंक 80 दरियागंज न्यू दिल्ली की मैनेजमेंट के खिलाफ हमें रखनी पड़ रही है, और उसका सबसे बड़ा एक कारण क्यों आवश्यकता पड़ी मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। सारे देश ने उसको स्वीकार किया और दिनांक 8 तारीख की रात्रि को
उन्होंने घोषणा की 9 तारीख को सारे बैंक बंद रहे और 10 तारीख से वहाँ पर नोट बदलने की प्रक्रिया चालू हुई। इस नोट बदलने की प्रक्रिया में अनेक बैंकों का नाम आया, आपके मीडिया के माध्यम से अनेकों चैनलों पर वो सारी रिपोर्ट चली। और मैं बताना चाहता हूँ कि उसी मध्य जैन कोऑपरेटिव बैंक जो कि दरियागंज में स्थित है, वहाँ की मैनेजमेंट जो कि कुछ समय पूर्व ही चुनकर आई थी, उन्होंने एक अपनी अनऑफिशियली मीटिंग बुलाई और उसमें तय किया कि प्रतिदिन 5 लाख रुपए चेयरमैन, 4 लाख रुपए वाइस चेयरमैन, 2 लाख रुपए डायरेक्टर, और इस तरीके से उन्होंने दिखाने के लिए 4000 रुपए पीएन तक के भी खोल दिए ताकि किसी को ये ना रहे कि हमारे इसमें हमारा नाम नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जब पैसा वहाँ आ रहा था, किसी भी बैंक का था, तो हमारे यहाँ जो भी पैसा आया वो सारा यहाँ पे उस समय के सीईओ साहब, जीएम साहब और हमारे मैनेजर्स आज यहाँ पर सारे उपस्थित हैं। जितना पैसा आता था सारा का सारा पैसा ऊपर चेयरमैन साहब बैठते थे, उनके पास सारा पैसा चला जाता था, बिना उनकी इजाज़त के एक रुपया भी किसी को ब्रांचों में नहीं मिला, किसी स्टाफ को नहीं मिला। और उन्होंने अपने कोटे के अनुसार दिखावे के मात्र लिए तो केवल 5 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख कर दिया, और इसके अलावा पब्लिक हजारों की संख्या में बाहर खड़ी रही, लेकिन उन्होंने आसानी से किसी को भी पैसा नहीं दिया। झगड़ा हो रहा था तो हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। दिनांक 10 तारीख को, 11 तारीख को दोनों दिन वो पैसा दिया। जब 12 तारीख को हमने फिर मना कर दिया कि साहब जिस तरीके से पब्लिक लाइन में लगी हुई है और हम लोग उसको पैसा नहीं दे पा रहे, या तो आप हमें पैसा दो अन्यथा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने फिर वो मीटिंग बुलाई और उसमें कह दिया कि ठीक है, अब जो है अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग ब्रांचों में जाकर, 3-3 डायरेक्टर बांट दिए कि 3-3 डायरेक्टर उन ब्रांचों में जाकर, जैसे हमारी ब्रांच एक मुख्य ब्रांच दरियागंज में है, दूसरी ब्रांच हमारी गांधीनगर में है, तीसरी ब्रांच शाहदरा है, चौथी ब्रांच हमारी लक्ष्मी नगर और 5वीं ब्रांच हमारी करोल बाग। उन 5ों ब्रांचों में जहाँ जहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको बोल दिया गया कि आप वहाँ से भी पैसा ले लें। वो पैसा तो लेते रहे वहाँ से भी, लेकिन वहाँ से लेने के बाद शाम को फिर दरियागंज पहुँच जाते थे और वहाँ से भी जितना मोटा पैसा वो ले सकते थे वो पैसा उन्होंने लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिनांक 15 तारीख को माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक सूचना मीडिया के माध्यम से प्रसारित हुई, जिसमें ये कहा गया कि 16 तारीख से अब कोई भी नोट एक्सचेंज नहीं होगा। आप फोल्डर्स अगर देखेंगे तो उस फोल्डर्स में मैंने माननीय चेयरमैन साहब का एक लेटर इसमें लगाया है, और उस लेटर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट घोषणा ये की कि 16 तारीख से कोई भी ब्रांच कहीं पर भी नोट एक्सचेंज नहीं करेगी, और 15 तारीख को रात्रि में 2 बजे तक दरियागंज की ब्रांच खुली और एक ही ब्रांच से 1 करोड़ रुपए से ऊपर उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। हमारे कैशियर और उन्होंने सबने कहा भी कि साहब ये नहीं करके, लेकिन जिसको जाना है 43 नंबर पेज पे लेटर लगा हुआ है चेयरमैन साहब का, इधर देर देर भी नो एक्सचेंज, मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। उन्होंने यही कहा कि जो स्टाफ जाना चाहे घर जा सकता है, हम अपने आप देखेंगे, और वहाँ पर सारे डायरेक्टर मौजूद रहे और उनकी देख रेख में वो एक ही दिन में 15 तारीख को ये पैसा एक्सचेंज हुआ। दिनांक 17 तारीख को, 16 तारीख को फिर उन्होंने ब्रांचों में फ़ोन किया
कि आप लोगों को अपनी ब्रांच से पैसा देना है। उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि जब आप लोगों ने हमें एक लिखित में लेटर दे दिया, और आप जानते हैं कि डे टू डे वर्किंग में किसी भी चेयरमैन किसी भी मैनेजमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ तो चेयरमैन साहब खुद अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं कि एक्सचेंज नहीं करना। और अगले दिन जब हमने कहा कि एक्सचेंज हम नहीं करेंगे, आपका लेटर आ चुका, तो उन्होंने रिजर्व बैंक का जो लेटर 15 तारीख को रिजर्व बैंक ने इशू कराया था, उसी लेटर पे आगे लिख दिया कि ये इंस्ट्रक्शन एआर बैंकिंग की इंस्ट्रक्शन है कि ये हमारे बैंक पर लागू नहीं होता। 25 नंबर पेज पे अगर आप देखेंगे तो वो आप उसमें साफ आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के नीचे ही उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन खोल दी और अपने साइन कर दिए। अगर कोई चीज़ देनी थी तो सीईओ साहब देते, जीएम साहब देते, मैनेजर साहब देते, लेकिन उन्होंने स्वयं सारी एडवाइजरी खुद वो कर रहे थे। हमें इसमें भी उन्होंने करा, और उसके बाद भी 3-4 डेटों में वो उस पैसे को लेते रहे। जिस दिन 15 तारीख को नोटबंदी की बात हुई तो उन्होंने अपनी मीटिंग में उस कोटे को डबल कर दिया, यानी जो चेयरमैन अब तक 5 लाख रुपए की बात करते थे अब उन्होंने अपना कोटा डबल कर दिया। हम एक चीज़ आज मीडिया को इसलिए बुलाने की जरूरत पड़ी कि हम एक शब्द भी इसमें अपना नहीं बोलेंगे। हमारे पास जिस समय ये प्रोग्राम चल रहा था, दिनांक 26/12/2016 को इनकम टैक्स की रेड बैंक पर हुई, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से पूरा छापा है, उसमें आज भी वो सब आप क्लिप्स देख सकते हो अपने अपने चैनलों पे। और दिनांक 6 जनवरी 2017 को इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक लेटर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेश किया गया, और उसमें बिल्कुल साफ लिखा है ये लेटर हमारा नहीं है, किसी स्टाफ का नहीं है, किसी मैनेजमेंट का नहीं है। यहाँ उन्होंने साफ लिखा है रजिस्ट्रार के लिए 16/6/2017 में रिपोर्ट ऑन द क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और उसके साथ में अपनी एक कंक्लूजन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है, नीचे एनक्लोजर में उन्होंने दिया है।